Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Today I'll be talking about serums in a broader perspective क्योंकि serum हमारी skin के routine का एक बहुत important और major part है और बहुत useful होते हैं अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा ingredient हमारे लिए suitable है, किस skin type को, किस serum को choose करना चाहिए और इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं कि इस वक्त आपकी स्किन को किस सीरम की या किस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है. बिकॉज सीरम्स में एक दो मेन मेजर या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि इस वक्त आपकी स्किन की क्या ज़रूरत है. सो यहाँ पर कुछ सीरम्स मेरे पास हैं, बहुत रिनाउंड ब्रांड्स हैं. ऑर्डिनरी का सीरम है, ऑर्गेनिक ट्रेवलर के दो सीरम्स हैं, एमके कॉस्मेटिक्स है और दो ऐसे सीरम्स हैं जो कि मेडिकेटेड हैं और ये स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो कि कोई इशू सफ़र कर रहे हैं एज सच, जिनकी स्किन में इस वक्त कोई मेजर प्रॉब्लम चल रहा है. बिकॉज़ ये डर्माटोलॉजिकली रिकमेंडेड हैं बट इनके इंग्रेडिएंट्स की बेसिस पर अगर आप चाहें तो ख़ुद भी अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं कि आपने इसको यूज़ करना है या नहीं करना. नाइसिनामाइड पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी. नाइसिनामाइड में यहाँ मेरे पास ऑर्गेनिक ट्रेवलर का नाइसिनामाइड सीरम है, एमके कॉस्मेटिक्स का नाइसिनामाइड सीरम है और ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम. ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट दीज थ्री सीरम्स, इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर इंग्रेडिएंट्स हैं. नाइसिनामाइड है, जिंक है और हाइलुरोनिक एसिड है. अगर मैं बात करूँ एमके कॉस्मेटिक, जो मैंने सबसे पहले यूज़ किया था, इट हैज़ 10% नाइसिनामाइड और विटामिन B5, हाइलुरोनिक एसिड विद हेज़ल. अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें भी नाइसिनामाइड के साथ जिंक और हाइलुरोनिक एसिड है एंड दिस वन एज़ यू कैन क्लियरली सी 10% नाइसिनामाइड विद जिंक. नाइसिनामाइड की अगर मैं बात करूं तो दिस इंग्रेडिएंट इज़ मेंट फॉर ऑल दोज पीपल जिनकी स्किन एक्नी प्रोन है, जिनकी स्किन में पोर ज़्यादा हैं, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है, क्योंकि ये ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करता है. इसके साथ साथ ये डलनेस को भी ख़त्म करता है, स्किन को ब्राइटन भी करता है. सो इट्स नॉट ऑल अबाउट ऑयली स्किन, लेकिन इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं. ये स्किन को ओवरऑल हेल्दी करता है और आपकी स्किन में ओपन पोर्स का जिनको इशू है वो इस इंग्रेडिएंट की तरफ ज़रूर जाएँ. अगर मैं इन तीनों ब्रांड्स को कंपेयर करूँ तो एमके कॉस्मेटिक्स वॉज बिलो एवरेज फॉर मी. इसमें मुझे कोई विजिबल डिफरेंस नज़र नहीं आया. ऑल दो इंग्रेडिएंट्स जो मेंशन है वही हैं बट आई डोंट नो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट पर भी फ़र्क पड़ता है और मे बी जो वो लिखते हैं वो होता नहीं है. सो एमके कॉस्मेटिक्स इज़ अ नो फॉर मी. मैंने इसको पूरा यूज़ किया था बट सम हाउ मुझे ये इतना इफेक्टिव नहीं लगा. नेक्स्ट आई यूज़ दिस ऑर्गेनिक ट्रेवलर विच वर्कड वंडर्स और आई वॉज़ वेरी शॉक्ड कि इसने मेरे जो ओपन पोर्स हैं उसमें विजिबल डिफरेंस क्रिएट किया था विद इन अ मंथ. दिस इज़ समथिंग आई विल हाईली रिकमेंड. और ये ऑर्गेनिक ट्रेवलर जो ब्रांड है आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है और इट्स नो डाउट कि ये काम करता है एंड मेड इन पाकिस्तान है, लोकल है. सो आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दिस प्रोडक्ट. आप नाइसिनामाइड के लिए इसको चूज़ कर सकते हैं. ऑर्डिनरी की अगर मैं बात करूँ, आपको सबको पता है ये एक इंटरनेशनल ब्रांड तो है बट दिस इज़ नाउ अवेलेबल इन पाकिस्तान एज़ वेल. डिफरेंट मार्ट्स में ये अवेलेबल है और मैं अगर बात करूँ तो इसको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ. ये कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन डेफिनेटली जो है ये अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ 60 ml. तो इट विल टेक टाइम लेकिन ऑर्डिनरी एक ऐसा ब्रांड है जिसको हम रिलाई कर सकते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे ऑफकोर्स वो जो लिखे हैं वही इंग्रेडिएंट्स इसमें होंगे और दिस इज़ समथिंग के जो नाइसिनामाइड को काम करना चाहिए वो कर रहा है. आपकी रेंज में जो आता है आप परचेज़ कर सकते हैं. दिस इज़ वॉट माई ओपिनियन इज़. ये लोकल है, इसकी प्राइस 2000-2100 तक है एंड दिस इज़ ऑफकोर्स नियर 3000 होगी 30 ml की और ये 60 ml है तो इसकी प्राइस ज़्यादा थी. अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम आ जाते हैं विटामिन सी पे. विटामिन सी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है. इसको यूज़ करने से पहले अगर आपने इसको कभी यूज़ नहीं किया तो इससे आपको पर्जिंग भी हो सकती है. पर्जिंग क्या होती है कि आप जब कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट अपनी स्किन पे अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो उससे आपकी स्किन में ऑलरेडी जो
जो पिंपल्स हैं, जो ऑलरेडी डीप इन पोर्स चीज़ें होती हैं, समझ लें जो डर्ट होती है वो बाहर आना शुरू होती है, जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या फिर पिंपल्स की सूरत में आ सकती है. नॉट नेसेसरी कि सबको पर्जिंग करें, लेकिन पर्जिंग इज़ समथिंग जो कि नॉट समथिंग डेंजरस, ये सबके साथ हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो, बट स्टिल डिपेंड्स कि सबकी स्किन में ऑलरेडी कितना गंक और कितनी डर्ट है या फिर जो पिंपल्स की टेंडेंसी जिनकी ज़्यादा है उसमें हो सकता है कि इनिशियली आपको कुछ पिंपल्स सफ़र करने पड़े. वो नॉर्मल होता है रिएक्शन और वो ठीक हो जाता है, और नायसिनामाइड से भी हो सकता है, बट मुझे नहीं हुआ है सच, बिकॉज नायसिनामाइड इज़ अ माइल्डर इंग्रेडिएंट. अच्छा, विटामिन सी का काम यही है कि ये स्किन को ब्राइट करता है. सेकंड, ये स्किन में कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है. कोलाजन एक ऐसी प्रोटीन है जो आपकी स्किन को टाइट करती है. इसके मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं स्किन को ब्राइटन अप, डल स्किन, टू टोन, अन ईवन स्किन को ये बेहतर करता है. और यहाँ पर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं. ये ऑर्गेनिक ट्रेवलर का है जो मैंने यूज़ किया था, और अगेन इसको भी मैंने कंप्लीट यूज़ किया, एंड दिस वाज समथिंग अगेन आई विल रिकमेंड. स्किन टाइप की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये आप ऑयली और कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन सब यूज़ कर सकते हैं. अगेन आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लेटर ऑन अपने मॉइस्चराइज़र को एडजस्ट करना होता है. अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें, एंड ड्राई स्किन वाले जो हैं वो इसके बाद एक थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं. मैंने बींग कॉम्बिनेशन स्किन टाइप ऑफ पर्सन मैंने इसको यूज़ किया है, मुझे ऐसा जिसमें कोई मसला नहीं फील हुआ. लेकिन अगेन सबकी स्किन डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, और आई डोंट थिंक कि ये किसी भी स्किन टाइप को प्रॉब्लम करेगा. बट येस, इसको यूज़ करने के लिए मेक श्योर कि आप अपने स्किन को कम्प्लीटली ड्राई करें. यू नो, आपने फेस वॉश किया तो कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए आपकी स्किन, सो दैट जो इसके अंदर सोडियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट या और भी विटामिन सी की जो भी फॉर्म्स हैं वो इनएक्टिवेट ना हो जाए. तो दिस इज़ समथिंग जो आपने अपने जहन में रखनी है. और इसके बाद सन ब्लॉक को ज़रूर लगाना होता है, कोशिश करें तो इसको रात को लगा लें. दिन में लगाने में कोई मसला नहीं बल्कि फ़ायदा है, लेकिन अगर आप सन ब्लॉक स्किप करेंगे तो फिर नुकसान हो सकता है. इसलिए आप अगर इसको दिन में विद सन ब्लॉक लगाएंगे तो ये आपको एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं सन प्रोटेक्शन के, लेकिन आप अगर सन ब्लॉक स्किप करते हैं तो फिर आपकी स्किन पे ये जो है वो कुछ भी एडवर्स कर सकता है. आई एम नॉट श्योर, लेकिन आपने फिर इसको नाइट टाइम स्किन केयर में ले जाए. आई एम गोना मूव ऑन टू दीज टू सीरम्स. ये भी बहुत अच्छे सीरम्स थे, इसलिए मैंने सोचा कि इनके बारे में बात की जाए. इससे पहले कि मैं बात करूँ, इसी में एक इंग्रेडिएंट है हमारे पास, दैट इज़ हाइलुरोनिक एसिड. लेट्स सी, या सो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास एक्टिव विटामिन सी भी है, इसमें कोलेजन है, एक्वा है और हाइलुरोनिक एसिड है. हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आपकी स्किन में मॉइस्चर को रिटेन करवाता है. अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है और ड्राई होने की वजह से कोई फाइन लाइंस आना शुरू हो गई हैं, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, इस सब चीज़ों के लिए हाइलुरोनिक एसिड इज़ अ मस्ट. और हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन में इनिशियली जो फाइन लाइंस है उसको भी ट्रीट करता है, स्किन के अंदर मॉइस्चर को रिटेन करता है. और हाइलुरोनिक एसिड को लगाने से पहले आपकी स्किन थोड़ी सी डैम्प होनी चाहिए, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है कि वो मॉइस्चर जो है अब्सॉर्ब करके रिटेन कराता है. अगर आपके स्किन ऑलरेडी ड्राई होगी तो वो आपकी स्किन का मॉइस्चर सक करना शुरू हो जाएगा. आई होप आप समझ रहे हैं. तो आपने डैम्प स्किन पे हाइलुरोनिक एसिड को अप्लाई करना है, और इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं. विटामिन सी इसके साथ है, कोलेजन है, एक्वा है, हे सी सीरम इसका नाम है, हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, और वाइटनिंग सीरम भी है. क्योंकि इसमें विटामिन सी है तो ये वाइटनिंग का काम करेगा, हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेशन देगा, कोलेजन है तो स्किन को टाइट करेगा. तो ये भी बहुत अच्छा सीरम था. जैसे ही इसको अप्लाई करते हैं स्किन बहुत एकदम टाइट हो जाती है. अगर आपकी स्किन पे लाइंस हैं और आपकी स्किन पे फाइन लाइंस हैं, कहीं पर नेक पे लाइंस हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं. एंड दिस इज़ समथिंग कि मैं ज़रूर ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी. अगेन आपने अपने हिसाब से चूज़ करना है, आप स्किन के इशूज़ सबके डिफरेंट होते हैं. इसमें हमने बात कर ली हाइलुरोनिक एसिड की भी, अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्टिव एक्नी वाले लोगों के लिए. जिन एक्नी में अगर मैं बात करूं तो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी एक्नी का ही एक टाइप हैं. अगर आप उसको नहीं ट्रीट करते तो वो फिर अल्टीमेटली पिंपल्स बन जाते हैं. तो एंटी एक्नी सीरम है ये, और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं काफ़ी सारे हैं, लेकिन
जिसको मैं इस टाइम डिस्कस कर रही हूँ वो है मिंडेलिक एसिड। बाकी इसमें नीम एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा, ओलेनोनिक एसिड, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट, टी ट्री, ये सब वही चीज़ें हैं थोड़ी सी जो कि हर्बली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आपने इनके बारे में सुना होगा समहाउ। लेकिन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो मिंडेलिक एसिड है। अच्छा, मिंडेलिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो ये स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन की टॉप लेयर या स्किन की जो डेड लेयर है उसको रिमूव करता है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो पिंपल्स और एक्नी से फाइट करती हैं, या सिस्टिक एक्नी अगर आपको है, और ऑयल को भी क्लीन करता है। इसमें सारे बहुत सारे इस तरह के बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये एक एक्सफोलिएटिंग, माइल्ड एक्सफोलिएटिंग एजेंट है। एक्सफोलिएटिंग एजेंट वो होता है जो स्किन की टॉप लेयर से डेड सेल्स को रिमूव कर देता है, और साथ साथ अगर आपकी उसी डेड लेयर में आपकी एक्नी है, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, तो ये उसको भी टारगेट करता है। और अगर सिस्टिक एक्नी या फिर जो नोड्यूलर एक्नी होती है, इस तरह के जो पिंपल्स बकायदा होते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा सीरम है। तो अच्छा, अब इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि इसकी फ्रिक्वेंसी का ख्याल रखें। लाइक अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, ये आपको किसी फार्मेसी से मिलेगा बाय द वे। अच्छा, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको अल्टरनेट डेज पे यूज़ करना है, और क्वांटिटी कभी कम कम यूज़ करनी है, और इसके बाद मॉइस्चराइज़ करना है, ठीक है। आपको हो सकता है इसको लगाने के बाद हल्की सी रेडनेस नहीं होगी, सॉरी, हल्की सी आपको बर्निंग सी सेंसेशन फील हो सकती है। दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। अगर तो बहुत ज़्यादा मेजर रिएक्शन ना आए तो यू आर गुड टू गो। मेरे साथ, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी, बट 15 सितंबर इज़ द डेट मैंने इसको स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, लेकिन बीच में मैंने इसको छोड़ दिया बिकॉज आई फाउंड सम अदर थिंग्स, लेकिन दोबारा से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सो बात ये कर रही थी मैं कि आपने इसको ऑल्टरनेट डेज पे अप्लाई करें, पहले तो रात के टाइम सिर्फ, और एक दिन लगाया एक दिन छोड़ दिया। क्वांटिटी का ख्याल रखें, हल्की सी बर्निंग आपको इसको लगाने के बाद हो सकती है। मॉइस्चराइज़ करें, सो जाएं, ज़्यादा रिएक्शन अगर नहीं आ रहा, अगर तो ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है तो लिखा हुआ है सम इरिटेशन इज़ नॉर्मल। अगर ज़्यादा हो तो आप फिर देख सकते हैं कि आपने इस इंग्रेडिएंट को अवॉइड करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है इस इंग्रेडिएंट के लिए, बट ग्रेजुअली आप इसको टॉलरेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगेन आप इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में ऐड करें, लेकिन मॉर्निंग में सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। दिस इज़ ऑल अबाउट आई हैव टू से अबाउट मिंडेलिक एसिड, एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में तो आपको पता चल गया है कि ये क्या करते हैं। अच्छा, एक और इंग्रेडिएंट है जो कि यहाँ मेरे पास नहीं है, और वो है ये ग्लो रेसिपी का स्ट्रॉबेरी स्मूथ BHA AHA सैलिसिलिक एसिड सीरम। सैलिसिलिक एसिड अगेन एक्सफोलिएटिंग एजेंट है, आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, और आपकी स्किन को रीटेक्सचराइज करता है। बाज़ुकात हमारी स्किन पर पोर्स और वाइट हेड्स की वजह से हमारी स्किन स्मूथ नहीं रहती, और जब हम कोई फाउंडेशन या फिर सन ब्लॉक इवन अप्लाई करते हैं तो वो आपकी स्किन पर मौजूद वाइट हेड्स और सेबेशियस फिलामेंट्स पर जाकर स्टिक हो जाती है, और बहुत अन इवन अपेयरेंस आती है। सो दिस इज़ समथिंग दैट वर्क्स फॉर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और इस सीरम जो है वो ग्लो रेसिपी का था, अब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है ये ऑर्डिनरी का सैलिसिलिक एसिड 2% मास्क। ये भी वही काम करता है, बट ये आपको ट्वाइस अ वीक यूज़ करना पड़ता है, और अगेन ये आपकी स्किन पर माइल्ड एक्सफोलिएशन का काम करता है, और स्किन से सारी डेड लेयर को रिमूव करके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स से भी जो है आपको टेम्परेरीली आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सम मेजर इंग्रेडिएंट्स, और मैंने बात की कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन की, ड्राई स्किन की, एक्नी प्रोन स्किन की, लेकिन एक मेजर इशू है एजिंग स्किन, और उनके लिए एक इंग्रेडिएंट है रेटिनोल, जो कि सारे बेनिफिट्स अपने अंदर रखता है जो कि इन तमाम चीज़ों में प्रेजेंट हैं, यानी कि वो आपकी स्किन को ब्राइटन भी करता है, आपकी स्किन पर ऑयल को भी कंट्रोल करता है, और स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है, पोर्स को भी अनक्लॉग करता है, एक्नी को भी प्रिवेंट करता है, और सबसे मेजरली वो रिंकल्स पर बहुत ज़्यादा काम करता है, और एजिंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है।
सो आफ्टर यू 25 यू शुड स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉल, लेकिन उसको यूज़ करने की बहुत प्रिकॉशंस हैं, जहाँ उसके बहुत फ़ायदे हैं वहाँ अगर उसको सही तरीके से यूज़ ना किया जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। सो उस इंग्रेडिएंट पे हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे ताकि आप किसी भी तरह से मिसगाइड ना हो। और अभी तक जितनी भी हमने डिस्कशन की है, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, एंड अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम वर्किंग रियली हार्ड टू हेल्प यू आउट। तो आई होप कि आप अब डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी स्किन के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट सूटेबल है और अब आपने कौन सा सीरम यूज़ करना स्टार्ट करना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।